पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान के बाद सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में फैसला सरकार को करना होता है। देश की संस्थाएं सरकार के आदेशों के मुताबिक काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेना किसी भी आदेश और अभियान के लिए हमेशा तैयार है। बता दें कि जितेंद्र सिंह ने हाल ही में बयान दिया था कि अगला एजेंडा पीओके को फिर से हासिल करना है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना है। उन्होंने कहा था कि यह केवल मेरी या मेरी पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि यह 1994 में पीवी नरसिंहा राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प है। यह एक स्वीकार्य रुख है।